अमेठी में नसरुल्ला के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी करने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैस कस्बे में शिया समुदाय के मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकालकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान हाथों में पोस्टर और बैनर ले रखे थे। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बिना परमिशन लिए ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि हालात को देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस बल को जरूर तैनात किया गया था। झांसी से खबर है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर एक्शन हुआ है। एसपी ने समधर थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिया है और बीट दरोगा और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। 3 दिन पहले समथर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बरेली से खबर जहां पर अवैध फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। अब तक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। इस धमाके में 8 मकान गिर गए। पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और हादसे को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों में इसका असर देखा गया। 4 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने निर्देश पर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। हादसा बरेली के सिरौली थाना इलाके के कल्याणपुर गांव का बताया जा रहा है। थाना सिरौली क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर में रहमान शाह का मकान एवं आसपास के अन्य 3 मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर आकर के तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा देखा गया तो जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। इसके पश्चात जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई पता चला है कि एक लाइसेंस जो पटाखों का लाइसेंस था वो नासिर शाह के नाम पर था और ये जो घटनास्थल है वो नासिर शाह का ससुराल बताई जा रही है। मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल रवाना किया गया है और मौके पर विस्तृत जाँच की जा रही है। मायावती के शैतान वाले बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर खमासान मच गया। मायावती ने जिस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया, संविधान और जाति का मुद्दा उठाया, अब मामला उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है। इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सबका साथ सबके विकास का नारा दे रही है तो समाजवादी पार्टी मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही है। हरी का मतलब ईश्वर। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। उत्तर प्रदेश टू हरियाणा हरिजन शब्द पर मायावती के सख्त तेवर अब शैतान के शब्द बाण की शक्ल ले चुका है। मायावती भले ही हरियाणा के रण में हुंकार भर रही हो लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदान है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संविधान के नाम जातिवाद का मुद्दा उठाया है उसका असर न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुका है। बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहाँ पर बोला था। मायावती ने SC ST समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शब्द अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। ऐसे में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करते हुए संविधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान विरोधी बीजेपी और संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रही कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज में और अन्य पिछड़े वर्ग में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम आज हर वर्ग परेशान है। नौकरियों में निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये सभी फूट डालो राजनीति करो नीति पर चलकर दलित समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अब मायावती के इसी बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। जब RSS बीजेपी कमजोर पड़ती है
मदद करने के लिए बहन जी का कोई ना कोई रास्ता सामने आ जाता है। जाति, जातिवाद भारत के समाज का दंश है। और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दलित नौजवान को अगर शादी करनी है तो पुलिस फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को घुड़चड़ी पसंद नहीं है। एक और जब देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेसों की सरकार में हमेशा से दलितों के साथ उत्पीड़न किया गया, उनकी जमीनों को छीनने का काम किया, यहाँ तक कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर भी रोक लगाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। और आज देश की जनता और प्रदेश की जनता और दलित समाज और पिछड़ा समाज ये समझ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको लाभान्वित करने का काम किया और किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया। मायावती न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को संविधान विरोधी बता रही है, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर जाति की राजनीति का ठप्पा भी लगाती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, खुद को दलितों और अल्पसंख्यक के हितैषी बताने वाली पार्टी बीएसपी क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? क्या मायावती का फोकस सिर्फ दलितों पर नहीं रहता? अब इन सवालों के जवाब सिर्फ बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर न्यूज 18 की डॉक्यूमेंट्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि सामूहिक कोशिश समाज में बदलाव के मामले में चमत्कार ला सकती है। न्यूज 18 की डॉक्यूमेंट्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह स्वच्छ भारत अभियान के 10 सालों की यात्रा का अच्छा संकलन है। और वाराणसी से खबर लेते हैं, जहां पर साई प्रतिमा विवाद में एक्शन हुआ है। सनातन रक्षक दल के नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा गिरफ्तार किया गया है। साई प्रतिमा हटवाने वाले अजय को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग की आशंका में इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। बीती रात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर साई प्रतिमा विवाद में एक्शन हुआ है। सनातन रक्षक दल के नेता को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा गिरफ्तार किए गए हैं। साई प्रतिमा हटवाने वाले अजय गिरफ्तार किए गए हैं और जो मामला इन पर लगा है वो शांति भंग करने का लगा है और इसी की आशंका के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। बीती रात पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा गिरफ्तार किया गया है। साई प्रतिमा हटाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। कल बीती रात पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि साई प्रतिमा हटाने के मामले में शांति भंग ना हो और इसी आशंका के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभल की बात करें तो यहां पर कल की महोत्सव में अधिक दर्शन अवधि और आरती के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 3:30 बजे होने वाली मंगला आरती अब 4:30 बजे होगी। वहीं भगवान का पट अब 6:30 बजे के बजाय सुबह 7 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। दोपहर में भी आरती के समय 5 मिनट के लिए भगवान के पट बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही रात 10 बजे होने वाली शयन आरती भी अब शाम को करीब 9:30 बजे कर ली जाएगी। देखिए, दर्शन अवधि में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा, सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो इसमें सुबह जो मंगला आरती हमारी 3:30 बजे होती थी उसको 4:30 बजे कर दिया गया है। दर्शन जो 6:30 से था उसको 7 बजे कर दिया गया है। आरती के समय पर बीच में जो हमारी आरती होती है 12 बजे होती है या शाम को 7 बजे होती है, इसमें यात्री दर्शन करता रहता था उसमें थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न होती थी, तो 5-5 मिनट का आरती के समय पर ब्रेक किया जाएगा जिससे कि आरती आराम से संपन्न हो जाए।